हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। क्लास टेंथ के बच्चों के लिए आज हम आपका दूसरा लेक्चर लेकर आ रहे हैं, दूसरे चैप्टर का, जो कि चल रहा था ह्यूमाना एंड कलर फ्रॉड। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पहले का जो लेक्चर आप लोग देखा, आप लोगों ने इसे अच्छे से देखा होगा मुझे उम्मीद है। और अगर आपने क्या किया उसको अच्छे से नहीं देखा तो प्लीज वहां पर जाइए, आपको अच्छे से देखिए, वहां मजा आ जाएगा। वहां पर मैंने क्या किया है कि ह्यूमन आई के बारे में बहुत अच्छे से बताया है और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कभी भूलने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे एक बार देखने के बाद 100% सियोरिटी है ये कि आपको समझ में वो आ ही जाएगा। सो प्लीज उसको जाके देखिए, उसको इसको मोहब्बत कर लीजिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, मजा आएगा। तो पहले हम इसको बातें थोड़ा रिकॉल करवा देते हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने ह्यूमन आई के बारे में बताया, हमने बताया कि जो ह्यूमन आई होता है वो एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है विच इनेबल अस टू सी अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ लाइट, जो क्या करता है कि लाइट की मदद से हमें देखने में योग्यता प्रदान करता है ये ह्यूमन आई। इसके मैंने कुछ पार्ट बताया था, पार्ट कौन कौन सा था, सेरेटिक कोराइड था, ठीक है, कार्निया था, आयरिस थी, प्यूपिल था, आइलेंस था, ब्लैक ब्लाइंड स्पॉट था, येलो स्पॉट था, विट्रियस लिक्विड था, एक्वस लिक्विड था, और ये ह्यूमर था, सॉरी लिक्विड बता में ह्यूमर, इसको मैंने बताया था, लिक्विड मींस ह्यूमर, ठीक है, उसको भी समझ सकते हैं। और लास्ट मैंने रेटना के बारे में बताया था। तो मैंने बताया था रेटना जो होता है हमारा स्क्रीन होता है, स्क्रीन पे इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है, बट जब ये इन्फॉर्मेशन हमारा ऑप्टिकल नर्व किसको देता है, ब्रेन के पास भेजता है, तो ब्रेन हमारा उसे कैसा देखता है, सीधा देखता है। तो इन सब के बारे में मैंने बताया, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज आके देखिए, 100% बहुत मजा आएगा। तो आज मैं कुछ उसी से रिलेटेड, आज कुछ और बातें बताने जा रहा हूं, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको पता चले, सबसे पहले देखो, जो लाइट आता है वो कार्निया पे गिरता है, कार्निया पे गिरने के बाद आयरिस के पास पहुंचेगा, किसके पास पहुंचेगा, आयरिस के पास पहुंचेगा, आयरिस के बाद फिर लेंस पे जाता है, सबका प्रोसेस बताया गया था, कार्निया, कार्निया के बाद आयरिस, आयरिस के बाद आईलेंस, आईलेंस से क्या होता है, रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद उल्टा इमेज बनाती है, किस पे, स्क्रीन पे, स्क्रीन कौन होता है, रेटिना होता है, और ये सबसे अंदर का पार्ट होता है, ये सबसे अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, सबसे अंदर का पार्ट होता है, और इस पर इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है, बट जो इंफॉर्मेशन होता है ऑप्टिकल नर्व जब देता है ब्रेन को, तो हमारा ब्रेन कैसा देखता है, उसको सीधा देखता है। इन सब के बारे में मैंने बताया था, आज आपको बात करना है कुछ नियर पॉइंट फार पॉइंट क्या होता है, ठीक है, नियर पॉइंट फार पॉइंट, परसिस्टेंस ऑफ विजन, एकोमोडेटिंग पावर क्या होती है, ठीक है, और विजन रेंज कितना होता है, आइकॉन क्या होता है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, छोटा वीडियो बनाया है। इसके बाद फिनिश लेक्चर में आपसे मिलेंगे हम, साइड डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिगमेटिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमारा लेक्चर बहुत छोटा सा है, इसको देखिए आराम से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आ गया, क्योंकि आपको इसमें पता होगा कि हमारे आईज में हम लोग क्या करते हैं, अंधेरे में देख नहीं सकते ना जल्दी, अगर लाइट ना हो तो, क्यों होता है, जबकि उल्लू होता है, उल्लू रात में भी देखता है, उल्लू रात में भी देखता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा बच्चा, वही सब रीजन आज आपको जानना है। ओके जन, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय ह्यूमन आई, तो इसको भी हम बाद में बताते हैं। देखो, जो हमारा आई होता है ह्यूमन आई, उसमें कुछ सेल पाई जाती है, जब हमारा ह्यूमन आई होता है स्टूडेंट, उसमें क्या होती है, कुछ सेल पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आईकोन। ह्यूमन आई के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, वो स्पेशली सेल्स ही होता है, कोशिकाएं होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईकोन। अब ये दो टाइप्स का होगा, कितने टाइप्स का होगा, दो टाइप्स का, एक होता है कोन सेल, फर्स्ट क्या होता है स्टूडेंट, कोन सेल होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट समझिए ध्यान से, एक होता है कोन सेल और एक होता है रॉड सेल। रॉड सेल क्या होगा, बिल्कुल ऐसे लेंथ में रॉड की तरह होता है, जो कोन सेल होता है बिल्कुल कोनिकल टाइप का, जिससे कोन नहीं दिखता, ये कुछ वैसे ही दिखता, और कैसे दिख रहा है, ये रॉड की तरह। अब देखो, कोई भी इमेज बनता है ना, उसमें दो ही चीज का मैटर है, एक उसके कलर पे थोड़ा ध्यान देना,
और एक उसके इंटेंसिटी पे ध्यान देना, ठीक है। तो दो दोनों प्रकार के जो सेल पाए गए हैं, कोन सेल और रॉड सेल, इनका भी कुछ ना कुछ काम है, इनका भी क्या है, कोई ना कोई फंक्शन है मेरे भाई। और वो फंक्शन कौन है बता रहे हैं, जो कोन सेल होता है ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, जो इमेज बन रहा है उसका कलर कैसा है, यानी कि अगर डार्क है आपका दिन कैसा है, बहुत अंधेरे रात में आप हैं, या फिर ब्राइट डे है या फिर डार्क डे है, उसमें कलर के जो रिस्पॉन्सिबल को जो कलर दिखाई देता है वो किसकी भूमिका होती है, कोन सेल की होती है। ये दिन में बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबल, अगर कोई दिन में देख रहा है भाई, अगर कोई डे में है देख रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोन सेल बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग के अंदर जो होगा कोन सेल बहुत ज्यादा होता है, रात में देख नहीं पाते हैं, क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि उसमें हमारे पास रॉड सेल कम होता है। तो सबसे पहले समझो ध्यान से कि कोन सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कलर के लिए, और रॉड सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटेंसिटी। अब अगर कोई दिन में नहीं देख पा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, अगर कोई दिन में नहीं देख पा रहा है, कोई भी पर्सन हो, ऐसा होता नहीं कभी, ठीक है, बट अगर किसी भी एनिमल से या कुछ भी हो वो दिन में नहीं देख पा रहे, इसका मतलब क्या है, उनके अंदर कोन सेल पाया ही नहीं गया, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, ब्राइट लाइट में भी नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। बट अगर कोई रात में देख रहा है, इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर क्या है, रॉड सेल बहुत ज्यादा होता है। जैसे उल्लू ले लो, आउल, आउल के अंदर क्या होता है, आउल के अंदर यही होती है, रॉड सेल बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो रात में देख पाते हैं, इंटेंसिटी रात में ही शिकार कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी को अच्छे से डिटेक्ट कर लेते हैं, वाई बिकॉज उनके अंदर क्या पाया गया, रॉड सेल। बट हम लोग देखिए दिन में अच्छे से देखते हैं, वाई, क्योंकि हम लोग पास क्या है, कौन से ज्यादा है, रॉड सेल कम है, रॉड सेल के कम होने की वजह से ही हम क्या करते हैं, रात में नहीं देख पाते हैं, जब तक ब्राइट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां मैं कुछ पॉइंट राइट कर दे रहा हूं, ये पॉइंट राइट कर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो ह्यूमन की बात करते हो, ह्यूमन के अंदर क्या होगा, कौन से ज्यादा है, कंपैरिजन है रॉड सेल की, कंपैरिजन देन व्हाट, रॉड सेल की। आउल की बात कर दो, वो दिन में नहीं देख पाते हैं, जो उल्लू होता है वो दिन में नहीं देख पाता, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन सेल पाया ही नहीं जाता, जिससे वो कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। रात में आप देखते हैं, रात में वो देखता है, क्यों, क्योंकि रॉड सेल उसके अंदर। तो आउल के अंदर क्या पाया जाएगा, रॉड सेल, इससे क्या कर सकता है रात में। तो अगर कोई रात में देख रहा है, इसका मतलब याद कर लो भैया, मेरे बाबू मुन्ना, अगर कोई रात में देख पा रहा है, इसका मतलब क्या, उसके अंदर रॉड सेल ज्यादा है, पर नहीं देख पा रहा, इसका मतलब रॉड सेल कम है। जैसे आप बात कर दो, मैं एक चीज की, मुर्गे की बात कर दो, कॉक, क्या मुर्गे कभी रात में देख पाता है, नहीं, क्यों नहीं देख पाता, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ क्या है, कौन सेल है, उसके अंदर क्या, सिर्फ कौन सेल है, दिन में देख सकता है, कलर को पहचान ले जाएगा, रात में नहीं पहचान पाता, रात में देर लगता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, रॉड सेल की कमी है, इंटेंसिटी को डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो क्या आपसे पूछता है भाई, मत बताओ भाई, उल्लू के अंदर क्या होता है, कौन सेल ज्यादा होता है, तो बोल दो कि सर उसके अंदर जो आउल होता है उसके अंदर रॉड सेल ज्यादा होता है, जिससे रात में देख सकता है, बट कौन सेल नहीं होता, जिसके अंदर क्या करता है, वो रात में नहीं देख पाता, सॉरी दिन में नहीं देख पाता है, ठीक है ना। मुर्गे में क्या होता है, कौन सेल होता है, रॉड सेल नहीं होता, कौन सेल होता है, रॉड सेल नहीं होता है, ठीक है, जिससे वो क्या करता है, रात हुआ सो गया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जागते रहते हैं थोड़ी देर तक ना, क्यों, क्योंकि हम लोग के अंदर क्या है, सेल तो है, कौन सेल भी है, और क्या है, रॉड सेल। बट कंपैरिजन अगर किया जाए तो कंपैरिजन करने के अकॉर्डिंग क्या है, कौन सेल ज्यादा है, रॉड सेल क्या है, कम है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, रात में भी नहीं देख पाते, क्यों, रॉड सेल क्या है, हम लोगों के अंदर कम है। तो इसमें यह था कौन सेल एंड रॉड सेल, तो आई थिंक मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो अब हम बात करेंगे नियर पॉइंट एंड ऑल्सो फार पॉइंट एंड ऑल्सो देन इमेज फॉर्मेशन बाई ह्यूमन आई, आपके आंख में इमेज कैसे बनता है, तो उसको पूरा लास्ट देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ओके बच्चों, बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट की, जैसे यहाँ पे राइट हुआ है नियर पॉइंट, फार पॉइंट एंड ऑल्सो परसिस्टेंस ऑफ विजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप इसको बहुत ध्यान समझिएगा कि हम लोग वो कौन सा डिस्टेंस है जहां तक देख सकते हैं, और कौन सा डिस्टेंस है
जहां तक नहीं दे सकते हैं ना, तो इन सब के बारे में बच्चों इसी से पता चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है और रेंज ऑफ विजन क्या होता है, तो इसको प्यार से समझिए, ठीक है, मजा आ जाएगा, ठीक है हम सब लोगों को। तो स्टूडेंट नियर ये पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया है, द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच द ह्यूमन आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब ये हुआ आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये हैंड ही है भाई, इसी हैंड को देखना है, एक ऐसा डिस्टेंस होगा मिनिमम डिस्टेंस, देखो यहां पे देख रहे हैं, ऐसे लेकर आओ देख रहे हैं, ऐसे लेकर आओ देख रहे हैं, बट एक मिनिमम डिस्टेंस होगा कि जब उससे आप कम लेकर आओगे तो ये ह्यूमन आई इसकी इमेज को क्लियरली नहीं देख सकता, ब्लर दिखने लगेगा। तो जो ये मिनिमम डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक का, उसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या, नियर पॉइंट। और ये नॉर्मल है, जो एडल्ट पर्सन होते हैं, जो मैं कह सकता हूं कि एक स्वस्थ मस्तिष्क जो युवा होते हैं एडल्ट पर्सन की मैं बात करूं, तो एडल्ट पर्सन के लिए जो नियर पॉइंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नियर पॉइंट क्या होता है कि ये वो मिनिमम डिस्टेंस होता है हमारे ह्यूमन आई से, जिस पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो ह्यूमन आई क्या कर सकता है, उसको इजिली देख सकता है। इतनी बात समझ में आ ही गया था, ठीक है ना। अब इसका सिंबल होता है स्टूडेंट कैपिटल डी, कैपिटल डी का कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 25 सेंटीमीटर से पहले रख दोगे तो उसका इमेज ब्लर बनेगा, ह्यूमन आई अच्छे से उसको क्लियर नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसी कैपिटल डी को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ओके। इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब सोचो कि 25 सेंटीमीटर से कम के रखने पर ऑब्जेक्ट अच्छे से सीन नहीं हो रहा था, तो ये है मैकेनिज्म, ऐसा बना हुआ है हमारा ह्यूमन आई कि 25 सेंटीमीटर से कम नहीं देख पाएगा। छोटे बच्चों के लिए कुछ और होता है, ठीक है ना। अब होता है फार पॉइंट, जैसे यहां पे क्या है मिनिमम डिस्टेंस है, वैसे यहां पे क्या है फार पॉइंट, फार मीन्स क्या हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस। अब मैक्सिमम डिस्टेंस में बात करो तो आप भाई कहां तक देख सकते हैं, इन्फोनाइट तक। देखो आप मैं क्या राइट किया हूं, इन्फोनाइट। तो अगर इसका डिफिनेशन राइट करना हुआ तो बहुत आसान हो जाता है, क्या राइट करना है, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। और क्या होता है इन्फोनाइट भाई, आप 25 सेंटीमीटर से लेकर कहीं पर भी रख दो, अगर आपके ह्यूमन आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफेक्ट नहीं है, तो 100% आप कहां देख सकते हैं, इन्फोनाइट पे देख सकते हैं, ठीक है, इन्फोनाइट तक देख सकते हैं, क्लियर। तो नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट कितना होता है इन्फोनाइट, यानी कि आप ऑब्जेक्ट को इन्फोनाइट पे देख सकते हैं। सूर्य चंद्रमा हमसे क्या बहुत दूर है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हो, उनके इमेज को हम आसानी से देख सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फार पॉइंट, ओके। अब देखो इसी होता है रेंज ऑफ विजन, इसी क्या होता है स्टूडेंट रेंज ऑफ विजन, आप क्या कर पा रहे हो, 25 सेंटीमीटर से इन्फोनाइट तक देख रहे हो, तो इसी को हम बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। यहां पर थोड़ा सा इसे इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छे से नहीं हो रहा है, होगा ओके, नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। इसको क्या बोलते हैं रेंज ऑफ विजन, मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं रेंज ऑफ विजन। तो अगर बच्चा कोई आपसे पूछता है कि रेंज ऑफ विजन क्या होता है, तो बोलोगे कि मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा विजन में, विजन के रेंज में आता है। तो क्या होगा 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिट तक। अब एक बात और होता है, वो होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी कि अगर कोई चीज आप देख लेते हैं, विजिबल हो जाता है, तो उसका इमेज कितनी देर तक आपके दिमाग में बना रहता, उसका इमेज कितनी देर तक आपकी आंख में बना रहेगा, वो कितना होता है 1/25, इतना सेकेंड तक जो इमेज होता है वो आंख में बना रहेगा आपके, ठीक है, कितने सेकंड तक, 1/25 सेकंड तक। अब सोचो आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के बाद जब हमारा कोई अलग से प्रोसेस होता है, फिगर बदलता है, या मेरी एक्टिविटी चेंज होती है, तो जिस एक्टिविटी को आप देखते हैं तो वो एक्टिविटी
आपके दिमाग में 1/25 सेंटीमीटर तक रहता है, सॉरी 1.25 सेकंड तक रहता है। ओके तो आई थिंक मुझे लगता है समझ में आ ही गया होगा नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या। नियर पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, उसके से कम पे रखेंगे तो आपका इमेज अच्छे से दिखाई नहीं देता है। फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट ये होता है बच्चा कि अगर आप इससे दूर रखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, सॉरी फार पॉइंट इतनी दूर तक दिखाई देगा ना, इनफिनाइट तक दिखाई देगा। और रेंज ऑफ विजन क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से इनफिनाइट। और परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब होता है कि कोई भी इमेज कितनी देर तक बनना है, तो कितना 1/25 सेकंड। ओके तो ये था हमारा नियर पॉइंट, फार पॉइंट, परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, यानी कि इमेज कैसे बनता था, इमेज कैसे बनता था उसके बारे में क्या करते थे बताते हैं, ठीक है ना। उसका फंक्शन क्या है वो देखिए आराम से, कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो हम समझते हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है ना, क्या है वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं कुछ प्रोसेस राइट करूंगा कि लाइट कहां पे आती है, कहां से फिर निकलती है, उसके बाद हम फिगर बनाते हैं। देखो सबसे पहले लाइट जब ऐसे निकलती है यहां से ड्रिंग ड्रिंग करके, ड्रिंग ड्रिंग करके, तो सबसे पहले गिरती है कार्निया पे, किस पे गिरेगा कार्निया। फिर जो आयरिस, जो छोटा सा छिद्र होता है आयरिस के बीच में, आपको पता है कार्निया से निकलेगा, आयरिस के बीच में छोटा सा छिद्र होता है स्लिट टाइप का बना रहेगा, उसको बोलते हैं प्यूपिल, किस पे प्यूपिल, प्यूपिल पे हुआ। और प्यूपिल से जब निकलता है वो जाता है आई लेंस के पास, किसके पास आई लेंस। अब अगर ज्यादा लाइट जाएगा तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, प्यूपिल साइज क्या हो जाती है चेंज होती है, किसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज, लार्ज मत लिखिए, बिग, लार्ज नहीं बिग, साइज थोड़ा क्या होगी बिग साइज हो सकता है, छोटा बड़ा होता रहता है, ज्यादा लाइट जाएगा कम लाइट जाएगा फैल जाएगा, ठीक है ना। अब किस पे जाएगा फिर इसके बाद आई लेंस पे, किस पे गिरा भाई आई लेंस पे। और आई लेंस से निकलने के बाद जब इसका रिफ्रैक्शन होता है इमेज बनाता है किस पे, रेटिना पे। और इमेज कैसा बनता है, इमेज कैसा बनता है इन्वर्टेड बनता है, और कैसा बनता है रियल बनता है, इन्वर्टर बनेगा और कैसा बनेगा स्टूडेंट रियल बनता है, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द लाइट, व्हेन द लाइट इंटर्स द आई, इंटर्स इन द आई थ्रू कार्निया, इट फॉल्स ऑन प्यूपिल एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द प्यूपिल अगेन फॉल्स ऑन आई लेंस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द आई लेंस इमेज फॉर्म ऑन रेटिना विच इज रियल एंड इन्वर्टेड। बट वेन दिस इंफॉर्मेशन इज सेंडेड बाय द ऑप्टिकल नर्व टू द ब्रेन, ब्रेन ऑब्जर्व टू इमेज डायरेक्टली नॉट इन्वर्टेड इमेज। मेरे कहने का मतलब यह बच्चा कि लाइट कार्निया पे गिरा, कार्निया उसको अंदर लिया, प्यूपिल के पास पास किया, ज्यादा लाइट पड़ेगा तो प्यूपिल क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, कम लाइट पड़ेगा तो प्यूपिल क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इससे निकलने के बाद फिर किस पे गिरता है आइलेंस पे, किस पे गिरा भैया आइलेंस, आइलेंस से क्या होगा लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा, आइलेंस से क्या होगा लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा फिर किसके पास पहुंचेगा रेटिना, किसके पास रेटिना। और रेटिना क्या है स्क्रीन है, रेटिना क्या है भैया स्क्रीन है मुन्ना, और इसी रेटिना पे क्या बनता है इमेज बनता है इन्वर्टेड और रियल इमेज, कैसा बनता है इन्वर्टेड और रियल। तो इसको हम फिगर के द्वारा समझ लेते हैं,
कैसे समझते हैं फिगर को। मान लीजिए आई बात है, थोड़ा सा कुछ हो गया। ये क्या है, आई वाल है, ओके। और इसके अंदर ये लेंस है, कैसा लेंस है, कैसा लेंस है बच्चा, बोलो भाई कैसा लेंस है। कहेंगे सर ये कन्वेक्स लेंस होता है, सीलिंग मसल्स में ऊपर से जकड़ा रहता था ना, कसा रहता था। अब सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, देखो रेजा भाई ऐसे जा रही है, ऐसा प्रोसेस होने के बाद लेंस पे सीधे, ठीक है। अब इसको पीछे मिलाओ, तो ऐसे चला गया। अब बच्चा देखो देखो, ये इस रेटना का नहीं, जो रेटना रेटना पे क्या है, सपोज ये ए बी है, तो एमएस कैसा हो गया, ए डैश बी डैश। एमएस कैसा बना है भाई, एमएस कैसा बना है, रियल बना है, और कैसा बना है, इन्वर्टेड। रियल बन गया, इन्वर्टर बन गया, और इसका इन्फॉर्मेशन कौन भेजेगा आगे से, ऑप्टिकल नर्व भेजेगा, कौन भेजेगा, ऑप्टिकल नर्व भेजेगा। और जब इसका इन्फॉर्मेशन ऑप्टिकल नर्व देता है कि इसको ब्रेन को, तो ब्रेन कैसे ऑब्जर्व करता है इसको, इरेक्ट, ठीक है ना। तो ये था हमारा वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, यानी कि ह्यूमन आई में इमेज कैसे बनता है, ह्यूमन आई में इमेज कैसे बनता है, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले लाइट कॉर्निया पे, फिर प्यूपिल, फिर आईलेस, फिर रेटिना पे इमेज बना दिया। ये पूरा फिगर मैंने बना के दिखाया, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी, ओके, नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है उसमें बता सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करते हैं आपसे कि आईज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, जो हमारी आंख है वो मायोपिया से कभी कभी ग्रसित हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया से सफरिंग करेगा, यानी कि तरह तरह के साइड इफेक्ट हो जाते हैं आंख में, उसका करेक्शन कैसे होगा, क्यों होता है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, कल बात करेंगे, ओके। सो थैंक यू।